लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कों का ये गुट आखिर क्यों क्यों इकट्ठा है? लड़कियों के कॉलेज के बाहर क्या हो रहा है? मतलब लड़कियों के कॉलेज के बाहर आए, कुछ अटपटा लग रहा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमारा लड़का क्या करेगा? हाँ। जब आप अपने आप को खुद अपने आप को एक्सपोज करिएगा तो लड़का क्या करेगा जी? अच्छा। यहाँ तक आंटी जो बता रही थी टच का बात है, तो वो अलग अलग टच होता है, एक फ्रेंडली टच होता है, एक अपना कपल टच होता है। हर प्रश्न का जवाब एक प्रश्न नहीं होता। नमस्कार, मैं अर्पिता और हम लोग मौजूद है पटना में जेडी वीमेंस कॉलेज के बाहर। यहाँ पर हमें कुछ लड़के दिखे, तो जानते हैं लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कों का ये गुट आखिर क्यों इकट्ठा है? क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अंजनी जी, आज आप लड़कियों के कॉलेज के बाहर क्या हो रहा है? बीपीएड का एग्जाम पढ़ रहा है। एक्चुअली मैम, हम लोग एग्जाम देने आए हैं। बीपीएड का एग्जाम हो रहा है। एग्जाम देने आए हैं। चलिए, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। अच्छा रहा, क्या लग रहा है निकल जाएंगे? यस मैम, निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रलेश कुमार। क्या था पेपर में, कैसे सवाल थे? सवाल बहुत अच्छा था मैम। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिजिकल एजुकेशन का था। फिजिकल एजुकेशन जी। तो फिजिकल एजुकेशन का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है, इसके लिए सिर्फ रिटन में होता है या फिजिकल एग्जाम भी होता है? दोनों होता है मैम। प्रैक्टिकल होता है हम लोग का कॉलेज में, होता है यहाँ हम लोग का थ्योरी चल रहा है, रिटन चल रहा है। यस मैडम। क्या नाम भैया आपका? सुजीत कुमार। लड़कियों के कॉलेज के बाहर पहुँच गए एग्जाम देने के लिए? लड़कियों का कॉलेज में ही हम लोग का सेंटर दिया हुआ है। आपको सेंटर दे दिया? कुछ अटपटा लग रहा है क्या? क्या मैम, मतलब लड़कियों के कॉलेज के बाहर आए हैं, कुछ अटपटा लग रहा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमारे कॉलेज में भी लड़की लोग हैं, ऐसा नहीं टीचर मैम, यही हम लोग का टीचर, फिजिकल टीचर है। तो यहाँ पे जैसे लड़कियाँ हमें बताती हैं, थोड़ा आप लोगों से भी हम चाहेंगे सवाल कर। अच्छा, ऐसे करोगी कभी, ऐसे करोगी कभी, ऐसे करोगी, लड़का क्या करेगा? जब आप अपने आप को खुद अपने आप को एक्सपोज करिएगा तो लड़का क्या करेगा जी? लड़का तो छुए गई। तो आप महिला होकर इस तरह की बात कैसे बोल रहे हैं? लड़कियों को भी समझदारी से रहना चाहिए। लड़कों के लिए क्या, लड़कों को क्या समझदारी करनी चाहिए? लड़कों को क्या करेंगे, मतलब लड़कों की को भी कोई सलाह देंगे? बराबर का हिस्सेदारी है, कुछ नहीं है। लड़कों को कोई सजेशन बोल सकते हैं कि कौन, लड़कों को कोई सजेशन? लड़कियों को ज्ञान दिया आपने, लड़कों को कोई ज्ञान नहीं देंगी? लड़कों को ज्ञान क्या नहीं देंगे दीजिए ना, लड़कों को ज्ञान क्या नहीं देंगे? क्या सही बोल, क्या क्या बढ़िया लगा? अच्छा बताइए, क्या बढ़िया लगा आप लोगों को बताइए, क्या बढ़िया लगा? अगर अगर उन्होंने कहा कि लड़कियां, लड़कियों को अपने दायरे में रहना चाहिए, किसी को भैया करके अगर ऐसे कोई छूता है तो इसमें गलत है, इसमें गलत है? नो मैम, गलत नहीं, गलत सही है। वो अपने व्यू से बोल रही थी, बट गलत नहीं है, वो उनका सोच है, वैसा बोल रही है। लेकिन अभी आपने देखा कि एक महिला ने लड़कियों को बहुत सारी यहाँ पे सलाह दे दी, लड़कों के लिए वो दो शब्द क्यों नहीं बोल पाई? नहीं तो ये तो गलत है, गलतियाँ अगर करते हैं तो दोनों हैं उसमें गलत, लड़की भी गलत है, लड़का भी, एक ही को सिर्फ वो बोल के गई, वो थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल, हम यही मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, उन्हें जो है अपने कायदे कानून में रहना चाहिए, समाज में बहुत सारी जो बुराइयाँ ऐसी ही दूर हो जाएंगी। तो सारी सलाह लड़कियों को क्यों मिलती है? नहीं देखिए, क्या होता है कि हम लोग अगर आपस में तालमेल सही रहे तो कोई गलतियाँ नहीं होंगी। जहाँ तक आंटी जो बता रही थी कि टच का बात है, तो वो अलग अलग टच होता है, एक फ्रेंडली टच होता है, एक अपना कपल टच होता है, तो वो अलग था, लेकिन उनको दोनों मिक्स कर दी वो। एक बहुत तीखा सवाल लेंगे आपसे, आपकी बहन है? हाँ। आपकी मम्मी पापा या घर में कोई भी ऐसा बड़ा, कभी घर से बाहर निकलते हैं तो आपसे सवाल जो करती हैं वही सवाल आपकी बहन से करती हैं? हाँ। मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है कि सवाल अलग अलग होते हैं। सवाल हम भी बाहर रहते तो हमसे भी सवाल किया जाता है, क्यों बाहर थे? बहन भी रहेगी तो बहन से भी वही सवाल किया जाता है। आप घर से बाहर कितने बजे तक घूम लेते हैं? वो डिपेंड करता है कि अगर घर का काम हो तो 10 बजे 12 बजे भी निकल जाते हैं जरूरत पड़ने पर। घर का काम अगर जरूरत पड़ता है तो निकल ही जाते हैं। आपकी बहन जाती है आपके 12 बजे किसी जरूरत के काम से भी जाती है आपकी बहन? जब अगर हम हैं तो फिर क्यों जाएंगे, अगर नहीं होता बस, तो जाती। बस मुद्दा यही है कि आखिर समाज में ऐसा माहौल क्यों है कि एक लड़का काम कर सकता है लेकिन एक लड़की नहीं जा सकती है, जरूरत पर भी नहीं जा सकती है? हर काम नहीं कर पाएंगे ना वो 12 बजे। आपने कैसे कह दिया कि पुलिस, पुलिस पुलिस प्रशासन है समाज में, सब कुछ सुरक्षा है जिनके, आप मेरा एग्जांपल है तो मेरे, हम हैं, मेरी बहन भी है। आप ये कह रहे हैं कि लड़कियां सारा काम नहीं कर सकती हैं, तो कंडीशन होता है जैसे कि अगर कोई लड़की सिर्फ, अगर वो लड़की घर में है तो करेंगी, लेकिन जैसे घर में भाई बहन दोनों हैं तो बहन 12 बजे रात में क्यों जाएगी भाई को रहते हुए, अगर हम जा सकते करने के लिए काम? भाई छोटा है बहन बड़ी, नहीं भाई छोटा है बहन बड़ी है तब कौन जाएगा?
हाँ तो बड़ी बहन जाएगी, छोटा भाई क्यों जाएगा? वो जब जाने कैपेबल नहीं है तो नहीं जा पाएगा। तो अगर यही छोटा भाई जाने कैपेबल है तो वो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत आपको लगता है कि आपकी बहन जाएगी तो हो सकता है उसके साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए रात में जाने पर, इसीलिए आप उसको अवॉइड करेंगे ना? तो सेफ तो नहीं है लड़कियों के लिए रात में ज्यादा, वो भी यहाँ कि वो सेफ समाज कौन देगा, आप बताएंगे कौन दे सकता है? नहीं मैम अभी तो कहना ये कहना आसान। सर आप बताइए, आज बहुत अच्छा यहाँ पे चर्चा चल रहा है लड़की लड़कियों के मुद्दे पर, क्या लगता है आपको लड़कियों को आखिर सेफ माहौल क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर कोई शिक्षा देता तो लड़कियों को ही देता है, आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही शिक्षा देता है, अगर किसी के बारे में हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो उसको एक तरफा नहीं देखना चाहिए, दोनों साइड से देखना चाहिए, अभी लड़कों को भी और लड़कियों को भी। हर प्रश्न का जवाब एक प्रश्न नहीं होता, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि क्या आपकी बेटी या बहन रात को बाहर जा सकती है, आप भी एक महिला रिपोर्टर हैं, क्या आप अपने काम से 10 बजे रात को निकल सकती हैं या नहीं? क्यों नहीं निकल सकते? वजह हम निकल सकते हैं, निकल सकती हैं, हमारे अंदर क्षमता है, पर डर कहाँ है? हाँ ये कॉन्फिडेंस हर लड़कियों में होना चाहिए कि आई एम, ये कॉन्फिडेंस कहाँ लैप हो रहा है? लैप हो रहा है इसका कई कारण है, इसका कारण समाज में भी है, परिवार में भी है, परिवार में अगर उनको शुरू से ही इस तरह का मिले माहौल कि आप इक्वल हो, लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समाज में भी वातावरण इक्वल होना पड़ेगा। दिक्कत यहीं से शुरुआत है, हमारे घर से, हमारे समाज। चेंजिंग का जिम्मेवारी सिर्फ लड़कों पर नहीं है, लड़कियों पर भी है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, दोनों पर है। सही कहा आपने, बिल्कुल है। अगर दोनों इस बात को समझें कि हमारी जिम्मेवारी है तो माहौल में सुधार आ सकता है। बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने कही। सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षित होना, शिक्षित होना। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे अंदर वो समझ पैदा नहीं होगी, और जब तक समझ पैदा नहीं होगी तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा। आपने बहुत सही बात कही कि समाज में, हमारे घर परिवार में उस माहौल को जन्म देना पड़ेगा जहां लड़कियां और लड़कों में कोई भेद ना हो, लड़कियों के मन में ये बात डाली ना जाए कि आप कमज़ोर हैं, और लड़कों के मन में भी ये बात डाली ना जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब समानता होगी तो शायद हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो इस तरह की बुराइयाँ हैं उनमें कमी ज़रूर आएगी। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है, और कई बार लड़कियां इस डर से घर से बाहर नहीं निकलती हैं कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये खाई कब पटेगी ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोगों से बातचीत कर मुद्दे उठाते रहें, आपकी बात समझते रहें, और साथ ही साथ लोगों की राय आप तक पहुँचाते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।